हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 35 फॉर क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 30 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम जो पोम है, आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पोम है थर्ड अ टाइगर एंड द जू, ठीक है, जिसके जो पॉइंट हैं वो हैं लेस्ली नॉरिस। तो इसको हम पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो बच्चों, जो ये आपकी जो पोम है अ टाइगर इन द जू, तो इसमें आपको क्या दिखाया गया है, इसमें आपको फ्रीडम की इम्पोर्टेंस को समझाया गया है कि कितना भी ऐशो आराम आपको मिल जाए, लेकिन अगर आप फ्री नहीं हो, आपके पैरों में किसी तरह की गुलामी की बेड़ियां जकड़ी हुई हैं, ठीक है, आप अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकते, अपनी इच्छा से घूम नहीं सकते, तो वो ऐशो आराम किसी जो है किसी तरह से भी हमारे लिए सुखदायक नहीं होता है। तो ये चीज़ इस वर्कशीट में बताई गई है। तो यहाँ पर एक टाइगर है, ठीक है, और टाइगर जो है उसका कंपैरिजन किया गया है कि जब वो जू में है तो वो क्या सोचता है, और अगर वो फ्री होता तो वो क्या कर सकता था। तो इस तरह से कंपैरिजन करके यहाँ पर फ्रीडम की इम्पोर्टेंस आपको बताई जाएगी। सो देखिए क्या दिया गया है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं पोइम के, जिनको हमें पढ़ना है। तो देखिए आपको इस तरह से तीन जो है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं। सो देखिए, ही स्टार्क इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज गेज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रिग। इसका क्या मतलब है, स्टार्क्स का मतलब क्या है यहाँ पे, स्टार्क मतलब मूविंग प्राउडली, गर्व से जब चलते हैं, विविज का मतलब होता है क्लियर, स्ट्रिप्स का मतलब होता है जो कलर, जो लॉन्ग लाइन्स होती हैं इसकी बॉडी पे, ये ब्लैक ब्लैक लाइन्स हैं, ये हैं लॉन्ग लाइन्स ऑन द बॉडी, ठीक है, और फ्यू का मतलब कुछ कुछ स्टेप्स चला। यानी यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक जो है धारीदार जो है एक टाइगर है, जो जिसके ऊपर क्या है, बॉडी के ऊपर स्ट्रिप्स हैं, और वो अपने कहाँ पर है, अपने पिंजरे के अंदर है, केज के अंदर है, और बड़ा ही गुस्से में है वो, ठीक है, कैसे है, इन हिज क्वाइट रेग, रेग यानी यहाँ पे एंगर, गुस्सा है उसके अंदर। तो वो गुस्से में क्यों है, क्योंकि वो जू के अंदर है, वो अपनी मर्जी से घूम फिर नहीं सकता, वो फ्री नहीं है, ठीक है, वो जो उसकी पावर है जो शिकार करने की, उसका यूज़ नहीं कर पा रहा है, क्लियर। तो वो जो है क्या है कि एक जिसके ऊपर इस तरह से धारियाँ बनी हुई हैं, वो अपने पिंजरे में जो है कैसा है, गुस्से से वो कुछ कदम जो है वो खामोश कदम रखता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने ही पिंजरे के अंदर फ्यू स्टेप्स, फ्यू स्टेप्स का मतलब यहाँ पे क्या है, फ्यू स्टेप्स का मतलब है कि छोटे छोटे कदम रखता है। और यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि जो टाइगर है वो बहुत स्पीड से दौड़ता है, ठीक है, लेकिन पिंजरे में आने के बाद उसने वो जो उसकी जो रन है, वो जो दौड़ना है वो बंद हो गया है, अब वो केवल छोटे छोटे कदम ही रख पाता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट, ठीक है, वेलवेट यानी सॉफ्ट क्लॉथ जैसे होता है, तो वो कुछ कदम जो खामोश मखमल के गद्दे वहाँ पर हैं उनके ऊपर जो है चलता है। नाउ नेक्स्ट देखिए, लेकिन वो जो है कुछ कर नहीं सकता है यहाँ पे, वो अपने बस वहीं पर अपने पिंजरे में ही धीरे धीरे चलता है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेराइजिंग द विलेज। इसका मतलब क्या है, स्नार्लिंग का मतलब होता है यहाँ पे ग्रॉलिंग, ठीक है, ग्रॉलिंग का मतलब जैसे गुर्राना, गुर्राता है ना, तो ग्रॉलिंग। सो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, कि अगर वो बाहर होता तो घरों के इर्द गिर्द जो जंगल है, जो पेड़ हैं, वहाँ पर जाकर वो क्या करता, गुस्से की आवाज़ में एकदम से ग्रॉल करता, वो जो है से गुर्राता, ठीक है, एट द जंगल एज, जो वन है, जो जंगल है उनके किनारों के समीप जो है जाकर। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स का मतलब क्या होता है, टीथ, और बेरिंग का मतलब होता है अनकवर्ड टीथ, ठीक है ना, तो जो उसके अपने जो टीथ हैं, ठीक है, उनसे जो है वो क्या करता, अपने टीथ हैं, उसके पंजे हैं जो बहुत तेज़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो जानवर हैं ये शिकार करके खाते हैं, तो इनके अंदर की जो अडेप्टेशन है इनकी बॉडी की, वो कुछ इसी तरह से होती है
उनके पंजे चौड़े हैं, उनके जो है जो टीथ हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प हैं, क्लियर। तो क्लॉज उसके हॉर्नी नेल्स हैं, तो अपने पंजों से अपने दांतों से वो जो पूरा गांव है उसमें आतंक पैदा कर देता है। सोचिए अगर एक गांव है जंगल के आसपास और वहां से वो टाइगर निकलकर गांव में चला जाता है तो पूरे गांव में कितना आतंक होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है इसमें थर्ड जो स्टेंजा आपको दिया गया है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, एट रात को जो है वो एक तरह की आवाज़ सुनता है, ठीक है। वॉइस यानी साउंड जो होती है, तो आवाज़ सुनता है किसकी आवाज़, द पेट्रोलिंग कार्स, जो गाड़ियाँ होती हैं ना एक एरिया में गश्त लगाते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, तो उसकी गाड़ियों की आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, एंड स्टेयर का मतलब होता है लुक्स कीनली, यानी एक तरह से घूर के देखना, टकटकी लगा कर देखना। और ब्रिलियंट का मतलब यहाँ पे क्या है, ब्रिलियंट मतलब यहाँ पे है शाइनिंग, तो वो अपनी शाइनिंग आइज़ के साथ घूर कर देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और जो आसमान में तारे चमक रहे हैं, ठीक है, वो तारों की ओर घूरता है, आवाज़ सुनता है पेट्रोलिंग कार्स की और तारों को जो है वो घूर रहा है। उसके बाद देखिए अब ये आपको 3 एक्सट्रैक्ट जो दिए गए थे वो जो है कम्प्लीट हो गए, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइगर डूइंग इनसाइड द केज, जो टाइगर है वो केज के अंदर क्या कर रहा है। ऑप्शन ए ही इज़ स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे सोया हुआ है। ही इज़ वॉकिंग अराउंड इन द केज, वो जो केज है उसके अंदर वॉक कर रहा है। ही इज़ रोरिंग इन एंगर, एंगर से गुस्से से वो जो है गुर्रा रहा है। ही इज़ चेंजिंग हिज कलर टू ब्लेंड विद द केज, अपना कलर चेंज कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ही इज़ वॉकिंग अराउंड इन द केज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द एग्जाम्पल ऑफ अ मेटाफर फ्रॉम द स्टेंजा इज, ये एग्जाम्पल जो है मेटाफर का, एग्जाम्पल मेटाफर होता है यानी एक तरह से कंपेरिजन करना, ठीक है। तो इसमें देखिए विविड स्ट्रिप्स जो है ये है मेटाफर का एग्जाम्पल, फ्यू स्टेप्स है, क्वाइट रेग है, या पैड्स ऑफ वेलवेट। तो देखिए यहाँ पे किससे कंपेयर किया गया है, पैड्स ऑफ वेलवेट, ये क्या है, ये एक मेटाफर है। तो यहाँ पे डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, सेकंड का डी। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज द टाइगर स्केयर द विलेजर्स, विलेजर्स को टाइगर कैसे स्केयर करता, बाय ग्रॉलिंग एट देम, उनके ऊपर ऐसे स्टेयरिंग करके गुर्रा के, बाय फ्लैशिंग हिज केनाइंस, जो उसके दांत हैं केनाइंस जो बहुत शार्प हैं उनसे, ठीक है, बाय मूविंग अराउंड देयर हाउसेज, उनके घरों के आसपास घूम के, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, थर्ड का डी आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टेंजा इज, राइमिंग स्कीम जो है स्टेंजा की वो क्या है। तो देखिए राइमिंग स्कीम हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक के बाद एक जब हम जो पॉम है उसको पढ़ते हैं तो उसके अंदर कौन सी राइम्स जो है किस तरह से मैच करती हैं। जैसे नाइट है, इसको हमने ए नाम दे दिया, कार्स को हमने ये से मैच नहीं करती है, बी नाम दे दिया, आइज़ ये दोनों में से किसी से मैच नहीं करती है, सी नाम दे दिया, उसके बाद स्टार्स जो वो बी से मैच कर रही है तो इसको बी नाम दे दिया। तो क्या हो गई हमारी राइम स्कीम, ए बी सी बी, तो सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज़ द टाइगर फील एट नाइट, टाइगर जो है वो रात को कैसा फील करता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, देखिए ऑप्शन बाद में है, पहले आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उससे रिलेटेड, कैसा फील करता है, हैप्पी फील करता है, हेल्पलेस, प्लेफुल, एनरेज्ड, रेस्टलेस, या एक्साइटेड। तो टाइगर जो है वो कैसा फील करता है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो रहेगा, देखिए वो जो है कैसा कैसा फील करता है उसको हम एक बार लिख लेते हैं, एक बार देखते हैं। तो यहाँ से जो टाइगर है वो कैसा हेल्पलेस फील कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, हैप्पी तो बिल्कुल नहीं है, हेल्पलेस है, प्लेफुल भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एनरेज्ड भी है, गुस्सा है उसके अंदर, रेस्टलेस भी है, ठीक है, बेचैन है वो, एक्साइटेड तो बिल्कुल नहीं है। तो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, तो डी जो है हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, फिफ्थ का आंसर रहेगा आपका डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, विच डिवाइस हैज़ बीन यूज टू कंपेयर द टाइगर आइज विद द स्टार्स,
कौन सा डिवाइस यूज़ किया गया है टाइगर की आइज़ को जो कंपेयर किया गया है स्टार्स के साथ। तो इस तरह से जब कंपेयर किया जाता है वो जो है क्या होता है, वो मेटाफर होता है। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन एलिट्रेशन, रिपीटिशन, मेटाफर या पर्सोनिफिकेशन। तो ये जो होते हैं ये क्या है, ये पोएटिक डिवाइसेस हैं। जैसे हिंदी में जो अलंकार होते हैं काव्य सौंदर्य होता है, इसी तरह इंग्लिश में इनको जो है पोएटिक डिवाइसेस बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मेटाफर, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द एंटोनिम ऑफ ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का एंटोनिम जो है क्या होगा, हैप्पी होगा, एक्साइटेड होगा, शाइनी होगा या डल होगा। तो जो ब्रिलियंट है उसका एंटोनिम हो जाएगा डल, ठीक है। तो डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ये थी बच्चों आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।